वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो सो के थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया ऐसा लग रहा है। एक्चुअली सर्विस के लिए निकलना था आज डीलर में, तो कॉल किया था भैया को, तो भैया तो मेडिकल प्रॉब्लम हो गया बोल के, तो इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे। तो जाके पता चलेगा। अलग और इतना करे खराब गर्म मेरे जीरो में रह रहे के अभी उसको एसी से लगता था। तम वो करेगा सोहम से होके डाउन से वहाँ से शॉर्टकट से निकल जाएगा, इससे करने ठीक होगा। मार्केट तो बहुत भीड़ भाड़ होगा ना ट्रिम से होके जाने से, तो बैन बजाज में NS 400 होने से कितना मजा आना था टेस्ट करने के लिए। एडवांस में कॉल करने से ठीक था ना डीलर वाला को, लेकिन थोड़ा बड़ा आगे भी ट्राई कर रहा था ना तो कॉल ही नहीं जा रहा था। भैया बता रहा था कि वो जो मैनेजर भैया है तो उसको हम पूछा था, नंबर भी नहीं जा रहा है, तो आप ही हो पाएगा कि नहीं पूछा था हमको कितना कौन सा सर्विसिंग। तो मेरा 30 सर्विसिंग होगा, तो बोला है कि दिन को तो नहीं होता है, जल्दी जाने से ठीक होता है, थोड़ा आगे एडवांस थोड़ा बताना पड़ता है तब जाके वो अरेंज करके रख देता है, बोलता है ना क्या करेगा ना? कल रात को ही पहुंचा है वहाँ। मैं ऐसे पे डीलर जो इतना बड़ा नहीं है ना, छोटा सा है, और वहाँ में इतना स्टाफ वर्कर लोग नहीं रहते हैं बराबर जो डीलर लोग ऐसे, तो बहुत लिमिटेड बोला वो होता है। आप लोग सिर्फ देखते हो, लाइक्स और कमेंट शेयर अब तो करता ही नहीं। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो अब कमेंट्स करना चाहिए आपको। हमारा डीलर भी पहुंच गया, जैसे कि गैस देख सकते हैं 364 किलोमीटर सर्विस के लिए बाकी है, तो जल्दी करा लेगा। ये कंपनी के हिसाब से अरुणाचल का रोड नहीं बना है ना, तो अरुणाचल का रोड थोड़ा सा बम्पी है, ख़राब भी रहता है, तो हमें जल्दी करना चाहिए, तो अभी कर लेगा। चलो तो गैस ये चेकआउट करो, ये नया वाला NS, ये वाला DRL वाला अभी यहाँ में भी देखने मिल रहा है। वीडियो में बहुत अलग है ना, आप डर ये वाला डालने से क्या होना था भाई बहुत गंदा है, मेरा उससे ज़्यादा पुराना लग रहा है, इतना गंदा है इसमें। सुंदर है लेकिन ना इसको थोड़ा सा ये क्या जैसे बना दिया ना, पिंक टाइप का पिकाचू का जैसे
ठीक है, बाकी बात पर गंदा हो के बता धोने से तो ठीक है ये लोग। सर्विसिंग का क्या स्टेटस से देखते हैं अभी कि कुछ हो पाएगा कि नहीं। हम कल रात ही पहुँचे ना, ऐसे हो गया हम थोड़ा बता नहीं सकते हो। फिर एक बोला भैया को फ़ोन किया है या में, फिर फ़ोन किया या में तो नहीं जा रहा है, फिर वो भैया को फ़ोन किया तो ऐसे हो गया। तो सिरल भाई सिरल जाएगा ना एज अ गेस्ट, टाइम लगेगा अभी तो। बाकी लोग सवेरे सवेरे यहाँ पे रुक के एंट्री ले लिया, तो मेरा भी जब टाइम आएगा तभी शूट करूँगा क्योंकि बैटरी भी गिर रहा है। तो चलिए अपना टाइम तक रुकते हैं, उसके बाद कुछ शूट करने से करेगा। तो गाइस मेरा थन आ गया, तो अभी इसको घुसा रहा है, सिंबल को हटा रहा है ना। अच्छा तो गाइस इसका ये देखो, ये जो एन सीरीज का है बाइक लोग का, क्लच देखो ना लाइट है, स्लिपर क्लच है इसमें, एक उंगली से बढ़िया से दबते हैं तो आप देख सकते हैं इंजन ऑयल ड्रेन होना शुरू हो गया। काला ही हो गया, तो देखते हैं क्या क्या चेंज होने वाला है। और चेन को भी वॉश करना था। तो गाइस आपको हम अपडेट कर देते हैं, इंजन ऑयल चेंज हो रहा है और फिल्टर दोनों चेंज हो रहा है। तो एयर फिल्टर को सेकंड सर्विसिंग में हो गया, तो अभी एयर फिल्टर को चेंज नहीं करेगा, तो इसको फोर्थ सर्विसिंग में एयर फिल्टर को चेंज करेगा। तो अभी स्प्रोकेट लोग को खोला था तो थोड़ा सा बैंड है बोल रहा था, फिर भी वॉश करके फोर्थ सर्विसिंग तक चला लेगा, उसके बाद स्प्रोकेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक में ठीक है बोल रहे, बस थोड़ा सा कौन सा वाला बैंड है बोला था, ये वाला बैंड है बोला क्या, ऊपर पत्ता धार हो गया ना, चलेगा क्या ये पोर्ट में, उल्टा करके डालेगा ना। हाँ हाँ डार हो गया ना, सही हो गया। ओ अच्छा 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 अच्छा, तो उल्टा करके डालेगा बोल रहा है उसको, आगे का चौथा स्प्रोकेट को तो थोड़ा वॉश करके डालेगा और आगे और पीछे दोनों का ब्रेक शूट चेंज करेगा। तो इतना ही रहेगा, मेन तो इंजन ऑयल ही है, इंजन ऑयल और एयर फिल्टर है, इसको वो करेगा। क्या जो वो क्या के लिए N250, हाँ उसके लिए अलग से आएगा होगा, उसका टंकी साइज अलग है तो थोड़ा अलग से है ना, दूसरा डालना पड़ेगा होगा। वॉशिंग चल रहा है, वो इसको बढ़िया से भी वॉश करके बाकी को देख सकते हैं, और चमक गया नया ऐसे हो गया। तो उसके बाद फिटिंग करेगा। गाइस फाइनली हो चुका है सर्विस और मैं आपको बिल दिखा देता हूँ, मैं एक एक बताता हूँ। इंजन ऑयल डाला है, फ्रंट डिस्क पैड और रेयर का डिस्क पैड और ऑयल फिल्टर, बस इतना ही है। और को मैं बता देता हूँ, भूल गया था मैं,
एक्चुअली मेरा थर्ड फ्री सर्विसिंग था, तो टोटल मैं बताता हूँ कितना है, 1168 रुपीस है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1168, डिक्स पैड भी इतना सस्ता में आ जाता है। तो यही है बजाज का खासियत, अपना इंजन ब्रांड है ना, तो बहुत सस्ता आता है। 1500 से भी कम रुपए में आपका सर्विस हो जाता है। तो यही था गाइस, और मेरा बैटरी भी एक्चुअली डेड होने वाला है। और ये है AIE बेन बजाज, आप देख ही सकते हैं यहाँ से बुरुम ब्रिज आगे में। स्मूथ हो गया, वही तो हो गया। चलो तुम कुछ पीगा दोनों भी परे करे, और गंदा हो गया ऐसे यहाँ उल्टी उल्टी। तो अभी चला के देखते हैं कैसे है। अब तो सर्विस के बाद, थर्ड सर्विस के बाद ब्रेक ऑल्सो वर्किंग फाइन। जबरदस्त चेन स्प्रोकेट भी बढ़िया हो गए, तो लैग फील नहीं हो रहा है। और ब्रेकिंग ऑसम, ब्रेक पे थी मतलब खत्म था पहले, ब्रेक अभी अच्छे से ले रहा है, लेकिन वॉश करना पड़ेगा, देख ही सकते हैं बहुत गंदा हो गया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको दूसरा वाला वीडियो में। गजब, डायरेक्ट अभी भी डीलर से लेके आया है इसे।